नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, यह पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और यह मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, यह मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं।